हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छा हूँ। तो आज है स्पेशल डे, और आज स्पेशल डे क्या, आज है बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती। तो 14 अप्रैल है, और 14 अप्रैल का जो खास दिन है, तो मेरे गांव में है आज फंक्शन। तो कुछ फंक्शन है 14 अप्रैल के जन्म उत्सव पर रखा है, तो बहुत ही स्पेशल फंक्शन रहता है हमारे गाँव पर रविदास मंदिर पर। और अभी जो तैयारी चल रही है, अभी मैं मिलवाता हूँ मंदिर में, तो यहाँ पे मुकेश भाई बैठते हैं, और इधर पे जो भी दान वगैरह आता है सब मुकेश के पास लिखवाते हैं। और इधर है प्रसाद में, ये रखा है भाई प्रसाद में मुरमुरे और मीठे दाने। और ये हमारा है मंदिर इधर गुरु रविदास जी महाराज का। तो भी उधर चल रही है भंडारे की तैयारी, मैं लेके चलता हूँ उधर आपको, क्या क्या तैयारी चल रही है उधर। तो भाई बने रहे मेरे व्लॉग में, बड़ा एक्साइटिंग रहेगा आज। और अभी सब कुछ दिखा देता हूँ मैं, क्या क्या चल रहा है रविदास मंदिर पर। और सभी गांव के लोग जितने भी बैठे हैं, सभी साथी इधर बैठे हैं, हाय कर दो भाई एक बार। तो भाई यहाँ पे सब लोग, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग बैठे हैं। और इधर चल रही है भाई भंडारे की तैयारी, इधर बना रहे हैं बात था भाई चावल, जो सिरावली मेले में मिले थे। हाँ भाई, कितने चावल बन गए? 3 भगोने निकले भाई साहब 3 भगोने। और कितने निकलेंगे? निकलेंगे तो भंडारा स्टार्ट रहेगा। तो भाई अभी भी तैयारी चल रही है, देख लो बन रहे हैं इधर भगोने में चावल। तो भाई साहब अभी इधर बन रहे हैं, जोनू भाई बना रहे हैं, ये देख लो भाई इधर बन रहे कड़ी चावल। तो इधर जोनू भाई बना रहे हैं, तो जोनू भाई हमारे मेन कारीगर है। तो ये देख लो भाई कड़ी चावल बन रहे हैं। तो ये देख लो भाई गर्मा गर्म भंडारे के लिए कड़ी चावल तैयार हो रहे हैं भाई साहब। और इधर मंड रहे हमारे सचिन भाई साहब भी, तो बहुत मजा आ रहा है भाई। और एक तब ये विशाल भाई को मिला है काम थोड़ा। तो ये देख लो 1 से 2 से 3, तो भी हम बात करते हैं विशाल भाई से। तो विशाल भाई ऑक्सिली कारीगरनी सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो विशाल भाई कितना मजा आ रहा है आज काम करने? बहुत मजा आ रहा है भाई। तो ये जो बाबा साहब की जयंती है स्पेशल पर जाइए क्या? बाबा साहब की जयंती का जो स्पेशल ये भंडारा है ना जी, तो हलवा बन गया? हलवा बनने आ बस 2 मिनट लगेगी और। अच्छा, अभी हलवा भी रेडी हो रहा है। ये देख लो भाई साहब सभी लोग मंडे है अपना काम कर रहे हैं, ये देख लो भाई साहब। और ये इधर हमारे सोनी भाई भी हैं, और ये हमारे चाचा जी भी हैं। तो चाचा जी से बात करते हैं हम इधर माइक। तो आज बाबा साहब की जयंती स्पेशल क्या उपदेश देना चाहोगे आप? बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल थॉट? बच्चे समझना चाहिए कि बाबा साहब ने कैसे अपने जीवन व्यतीत किया, किन किन कठिनाइयों से, किन धरना से, कि अत्याचार सहा के भी हम लोगों के प्रति वो रहे, लड़ाई लड़ी। तो आज उनके जन्मदिन है, तो उसके लिए बाबा साहब के लिए बच्चों को ये प्रेरणा है कि उनके विचारों पर ध्यान दें। तो भाई बहुत अच्छी बात कही अंकल जी ने। और अभी मैं अपने यार दोस्तों से बात कर लेता हूँ, अभी यार दोस्तों से बात करते हैं और फिर बताते हैं कुछ खास बात क्या है। तो भाई ये है हमारे अच्छे भाई साहब, और इनको काम मिला है मैनेजमेंट का। तो क्या क्या तैयारी चल रही है भाई आज? सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हमारे गांव ग्राम गदरजुट्टा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई जा रही है, जिसमें हमने भंडारे का आयोजन किया है, कढ़ी चावल और हलवे का प्रोग्राम है, और शाम के टाइम शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बस मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे लिए बहुत बड़ी हस्ती है, उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं सौरभ भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने आज 14 अप्रैल 2023 को इस आयोजन का कार्यक्रम होने के उपलक्ष्य में आप सभी देशवासियों को बताना चाहा, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई। तो भाई साहब जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि शाम को जो शोभा यात्रा की तैयारी है, उसमें क्या क्या तैयारी? डीजे वीजे फुल इंजॉय? फुल इंजॉय बिल्कुल भाई साहब, डीजे है हमारे गाँव में, रथ है और झांकी निकाली जाएगी, जो कि नाइट का और डे का टाइम रहेगा। तो भाई साहब आज मजा आने वाला है, तो बने रहे मेरे व्लॉग में। और व्लॉग आज का स्पेशल रहेगा बहुत ही खतरनाक। तो भी मिलवा देता हूँ सोनी भाई से जो रहते हैं बाहर, तो ये भी सोनी भाई से बात करते हैं, वो एक्चुअली बाहर रहते हैं। तो अभी बाबा साहब के बारे में कुछ बताएंगे।
हाय मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड, जितने भी साउथ भारत में ये वीडियो देखोगे, हैदराबाद में देखे, बेंगलोर में देखे, मुझे जानने वाले पहचान गए होंगे। मैं यहाँ बाबा साहेब के लिए आप लोगों के पास से कुछ दिन के लिए छुट्टी लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को देख के आप लोग ज़रूर लाइक करना। जितने मेरी जान पहचान वाले दोस्त हैं, माय फ्रेंड, विशाखापट्टनम में रहे, बेंगलोर में रहे, हैदराबाद में रहे, जितने भी मेरे असिस्टेंट लड़के हैं, सब लोग इसको देखोगे वीडियो को तो मुझे पहचान के इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आज बाबा साहेब का जन्मदिन है और हम उसी के मद्देनज़र रखते हुए इधर आज हैदराबाद से, बेंगलोर से होते हुए इधर आज आए हैं। हमारे फ्रेंड हैं सौरभ कुमार, ये बहुत इस चीज़ों से लाइक करते हैं, ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और इनकी जितनी भी वीडियो आप देखोगे उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कितनी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी हमारे गांव के अंदर, आसपास के कस्बों के अंदर बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी। इसीलिए इनकी वीडियो को आप लाइक करना। थैंक्स एंड धन्यवाद। तो भाई अभी सोनी भाई से बात होगी, तो अभी बात कराते हैं जो इस बार जिसको मिला था, जो नहीं के मंदिर के जो अध्यक्ष बने थे वो थे भाई मुकेश भाई साहब। तो मुकेश भाई किधर है? तो चलो अभी मुकेश भाई अपने काम में बिजी हैं पीछे। मुकेश, तो भी जो भी आज, तो भाई इस बार मुकेश भाई जी थे अध्यक्ष रविदास मंदिर समिति के, तो उनके देख रेख में इस बार का काम हो रहा है। तो पहला प्रोग्राम है इनका बाबा साहब जयंती का। तो भाई मुकेश भाई, हमें बताइए कि आपके अंदर जो कोई प्रोग्राम हो रहा है तो कैसा होगा इस बार? इस बार अगर कृपा रही गुरु महाराज की तो बढ़िया ही होगा, गुरु महाराज की दुआ से तो बढ़िया चल भी रहा है। चल भी रहा है, आपने देखा है व्यवस्था, रात की भी व्यवस्था देखी होगी। तो भाई साहब शोभा यात्रा कैसी रहेगी? शोभा यात्रा बहुत ही बढ़िया रहेगी जी, 2-3 बजे शुरू होगी, 7-8 बजे तक प्रोग्राम तगड़ा ही रहेगा। जैसे भाई ये थे मुकेश भाई अध्यक्ष जी, और बता रहे हैं तैयारी खतरनाक, और दिल से भाई मैंने इनको सपोर्ट किया था, इनका प्रोग्राम है तभी मैं आऊँ लॉगिंग के लिए, वरना तो बिल्कुल नहीं आता अगर किसी का होता प्रोग्राम। तो भाई अभी देख ले, अभी प्रोग्राम चल ही रहा, और ये बड़े बुजुर्ग भी इधर बैठे हैं और बाबा साहब की जयंती की तैयारी में लगे हैं, और सुमित भाई कड़ी चावल नमक टेस्ट कर रहे हैं। तो ये इनको ओके, तो ये अभी भंडारा स्टार्ट नहीं हुआ, इनको नमक टेस्ट करने के लिए दिया था। तो अभी चलता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ मंदिर पर क्या क्या तैयारी है, और भी है डेकोरेशन जितनी भी है वो चल ही रही है। ये देख लो भाई साहब, काम चल ही रहा है। तो भाई साहब ये देख लो, पीछे भी टेंट और यहाँ था रात जागरण, और किसी मजबूरी के बिना नहीं बनाया। और पीछे देख रहे हैं वो है बाबा साहब, ठीक है, बाबा साहब जी का स्थान मंदिर। तो भी चलते हैं उधर, दिखाते हैं इधर भी लगा है। तो इधर लग रहा है बच्चों का मस्त जंपिंग पैड, और बच्चे यहाँ ले रहे हैं एंजॉय। तो आज बाबा साहब की जयंती पे स्पेशल, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं आगे भाई। भाई फाइनली जो खाना बना था भंडारे का, तो वो जीमने के लिए हम आ चुके हैं, और अभी ये आ गया हमारा कड़ी और चावल, ये कड़ी चावल। तो सभी लोग यहाँ पे जीम रहे हैं आराम से, ये देखो भाई सब लोग खा रहे हैं भाई साहब कड़ी चावल। तो भी हम खाते हैं प्रसाद और मिलते हैं आगे। ये लगे पड़े हैं सेवा में, मिला आएगा। तो भी भंडारा चल ही रहा, और भंडारा भी समाप्त, उसके बाद शोभा यात्रा निकलेगी, उसका भी दिखाऊंगा मैं अपने वीडियो में। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं आगे।